दोस्तों बाबू धाम से हम लोग सुआगढ़ के किले में जा रहे हैं और इस रास्ते को हम लोग पार कर रहे हैं धौलपुर के अंदर से। इंटीरियर है बहुत और हमारी जो छोटी सी गड्डी है उसके लिए हम रास्ता साफ कर रहे हैं। दोस्तों इस मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं और हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर पूरा डकैतों का एरिया है और ये जो नदी है ये सीमा रेखा का काम करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, राजस्थान का दोनों का बटवारा। हाँ, ये इस तरफ जो है धौलपुर है और उस तरफ जो है वो मुरैना है। दोस्तों सीताराम बोलो तब कुंडी खोलो, इस मंदिर के दरवाजे पर ये लिखा हुआ है। ये है भरिका धाम यहाँ धौलपुर में और अब हम जा रहे हैं बाबू धाम के लिए। रास्ते में ये मंदिर पड़ा था, काफ़ी अच्छा लगा हमें तो हम यहाँ पे आ गए। सामने वो एक छोटी सी केव है, ये कुंड है और भारत में जगह जगह मंदिर हैं, यही पहचान है देश की और हम इस मंदिर में आ गए हैं। आइए देखते हैं कैसा है ये मंदिर। भरिका धाम है ये। अच्छा, और ये जो गुरुजी ने इनका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? इनका नाम तो रामचरण दास जी महाराज। हाँ, मतलब गुर्जर जाति के थे। हाँ। और जिस जगह ये पहले थे विराजमान उस जगह का नाम क्या था बताया आपने अभी मुझे? दमोह। हाँ, पांच साल दमोह पर तपस्या करी। तपस्या करी, फिर वहाँ जब डकैती पड़ी और लोगों ने इन पर शक किया। हाँ। कि ये शरण दे रहे हैं तो ये अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आ गए इस जगह। और ये किस साल की बात है बता सकते हैं आप? अच्छा नहीं, और आपने आपने बताया शेर और जो सांप आते थे ये बताया? बिल्कुल, उनके पास आते थे यहाँ जंगल में, घना जंगल हुआ करता था। किसी को यहाँ रात को रुकने नहीं देते, अकेले रहते। अकेले रहते वो तो। और तुम देख गए, तुम्हें सिर्फ मालूम है यहाँ कोई चीज तो नहीं, जो तो बाद में धीरे धीरे फिर लीला बंद गई, तपस्या जोर से बंद गए, भक्त आवत गए। इनने लोग बताते हैं, सरपंच साहब ने बताया, इन लोगों ने नरसिंह भगवान की तपस्या की थी। तपस्या की, सरपंच साहब से मेरी बात होती है, इन लोगों ने बताया कि नरसिंह भगवान की बाबा ने नरसिंह भगवान की तपस्या करी थी। ये महाराज ऐसे थे आत्मन साहब निकाल लेते वहाँ। अरे बहुत वैसे थे, बहुत बढ़िया आदमी, थोड़े ही कोई मामूली काम था। मामूली सब थोड़े ही, बहुत जैसे अब तुम्हारा जैसे चेला ने और ने देखे हैं तो जिनके एक जालंग चल रहा हुआ और एक जालंग चल रहा हुआ, बिन्ने आज ना भाई ऐसे दर्शन करे नाने, इतने चौरे चौरे फन और ठाड़े सौ सतर चलता है। तो इनके साथ आके बैठते थे बगल में और इनके साथ बैठते, इनसे लौटते पड़े ना। देखो वो डाल, वो एक फोटो भी बनी हुई है देखिए, उनके गले में सर्प है और बगल में शेर। हाँ, वो तो खैर ग्राफिक है लेकिन जो वास्तव में जो बता रहे हैं बाबा जी वो ये बता रहे हैं कि शेर और सर्प इनके पैर भी चाटते थे। दोस्तों इस मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं और हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर पूरा डकैतों का एरिया है और डकैत यहाँ पर रात को शाम को घूमना शुरू हो जाते हैं और आज भी डकैतों का वर्चस्व है इस इलाके में। हालांकि मंदिर को कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है बट क्योंकि हमारा निकलना ज़रूरी है इस यहाँ से। अभी 4 बजने वाले हैं और अभी हमें बाबू धाम भी जाना है और वहाँ से फिर हमें मुरैना निकलना है। ये सुवर राजा का किला है, देवंशगढ़ बोलते हैं इसको। वहाँ पर रास्ते में देखिए पूरा दोस्तों जंगली एरिया है, हम लोग घने जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं और अगर सामने मैं आपको दिखाऊँ देखिए रास्ता, ये आ गए हम लोग बाबू महाराज धाम के लिए। यहाँ से 6 किलोमीटर है बाबू धाम महाराज और अभी भी देखिए जंगल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है और अभी वहाँ मंदिर आपको दिख रहा है कोने में, वो मंदिर है उधर और ये पूरा डकैत बाहुल्य इलाका है, बबूतीपुरा गांव है और यहाँ भी कई जगह गुजर जो डकैत हुआ उनका गांव है ये और यहाँ काफ़ी बड़े डकैत रहते हैं। अभी भी 5 भाई हैं जगन गुज्जर और वो 5 भाई डकैत हैं, तो ये पूरा भीड़ इलाका, यहाँ करने को कुछ है ही नहीं तो लोग डकैत बन जाते हैं और इसकी लंबी हिस्ट्री है, आपने फिल्मों में भी देखा है। इसी गेट में से ले लें। दोस्तों हम लोग अभी बाबू धाम आ गए हैं बाबू महाराज के मंदिर में और ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर अलग अलग संत हुए हैं गुर्जर समाज के और उनके ही मंदिर बनाए गए हैं। आप जब इस एरिया में आते हैं तो आपको घना जंगल से आप होके गुजरते हैं और इन जंगलों में एक से बढ़कर एक डकैतों का बसेरा है, यही वजह है कि यहाँ पर अमूमन लोग नहीं आते, बाहर के लोग तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं और जो लोकलाइट्स हैं आसपास के धौलपुर और इसके आसपास के इलाकों के वही लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर है, एक मंदिर हम पीछे गए जहाँ इसके पहले हम लोग गए थे वहाँ पर, तो मुझे ये भी बताया गया कि जो वहाँ पर जो संत हुए
उनको मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी, और हत्या के बाद उनके जो उनकी कुटिया थी मिट्टी की, उसकी दीवारों से बंदूकें निकली थी, सोना निकला था। दोस्तों ये बाबू धाम जो मंदिर है, बाबू महाराज का धाम है, उसके पीछे का व्यू है। और आपको मैं अगर नज़ारा दिखाऊं, ये देखिए दूर तक फैली हुई चंबल की घाटियां दिखाई दे रही हैं। जब ट्रेन गुजरती है एक जगह से ग्वालियर से पहले, तब आप जिस तरह की घाटियां देखते हैं उसी तरह की घाटी ये भी है। और ये पूरा डकैतों का एरिया था और अभी भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए कोई दूसरा काम है ही नहीं। ज़मीन जो है वो पत्थरों से भरी हुई है, और ठेके कुछ ही लोगों के पास हैं, जिसके पास ज़मीन है वही वो काम कर पाता है, तो करने के लिए कोई और काम मुझे दिख नहीं रहा और मुझे बताया भी नहीं गया। और देखिए नदी कैसे बह रही है, चंबल बह के आ रही है, और कहते हैं कि चंबल के पानी का जो तेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो स्वभाव में एक उग्रता पैदा कर देता है। और कई लोग राय देते हैं कि चंबल के पानी को नहीं पीना चाहिए, हालांकि मैंने पिया है, बट अगर लंबे समय के लिए पिया जाए तो लोग कहते हैं कि यह स्वभाव में उग्रता लेकर आता है। और ये है चंबल का नज़ारा, और ये है चंबल की घाटियाँ जो दूर तक आपको दिखाई दे रही हैं, और ये है बाबू धाम। नहीं, आपके भाई साहब की शादी उस गांव में हुई है। हाँ, और ये जो नदी है ये सीमा रेखा का काम करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, राजस्थान का दोनों का बंटवारा। हाँ, ये इस तरफ जो है धौलपुर है। हाँ, और उस तरफ जो है वो मुरैना है। अच्छा, लेकिन भाई साहब धौलपुर और मुरैना का मिजाज एक ही है, वही बीहड़, वही इलाके, बोली भी लगभग एक जैसी है। जो सामने ठीक सामने दिख रहा है ना मंदिर है, ये छनवरा के वो रहते हैं बाबा। अच्छा, शेरगढ़ किले के बाबा रहते हैं यहाँ। अच्छा, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत अच्छा। अभी यहाँ कोई मेला लगा था, और मेले के बाद जो आपको हालात दिख रहे हैं वो दिख रहे होंगे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है भादों में, और हर महीना में 4-6 हज़ार आदमी आता है यहाँ निवास करने। जी 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 जी। और बाबू महाराज की सेवा में आता है। जी, ये बाबू महाराज की होगा। क्या रोगी लोग आते हैं। अच्छा, दुखिया लोग। हाँ, वो बता देंगे बारे में। दुखिया लोग आते हैं, कुष्ठ रोग खत्म होता है, सफेद वाला बांझों को पुत्र देते हैं। इसको भभूति किसे खाने से? हाँ, भभूति लगा ले लगाने से। अच्छा। और इनकी आने से। अच्छा, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल, दिखाऊँ दोस्तों मैं आपको, यहाँ पर जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है भक्त लोगों की, तो वो यहाँ पर घंटे चढ़ाता है अपने सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये बाबू धाम की तस्वीर है, ये देखिए घंटे हैं, इधर भी है और आगे भी हैं। तो ये घंटे जो हैं वो मान्यता से जुड़े हुए हैं, और सुवा महाराज हुए थे यहाँ पर एक, तो सुवा महाराज को इन्होंने, जो बाबू महाराज थे, उन्होंने जेल से छुड़ाया था, उनको कैद कर लिया गया था। और दोनों ही गुर्जर थे, सुवा महाराज गुर्जरों के राजा थे, और ये गुर्जर समाज से ही थे बाबू महाराज भी। दोस्तों बाबू धाम से हम लोग सुआगढ़ के किले में जा रहे हैं, और इस रास्ते को हम लोग पार कर तो आए धौलपुर के अंदर से, इंटीरियर है बहुत, और हमारी जो छोटी सी गड्डी है उसके लिए हम रास्ता साफ कर रहे हैं। पूरा पत्थरों का एरिया है, ये लाल पत्थर जो धौलपुर के हैं वही यहाँ पर होते हैं, और हम रास्ते को साफ कर रहे हैं गाड़ी के लिए। और अब हम सुआगढ़ के किले जाएंगे, फिर वापस एक मंदिर है वहाँ पर आएंगे, और फिर वापस आज हम यहीं रुकेंगे धौलपुर में ही। ये जंगल देखिए आप, दूर तक फैला हुआ जंगल। जब यहाँ आज ये हाल है तो 50, 100, 150 साल पहले यहाँ पर क्या हाल होगा। हमें स्कूल एक या दो ही स्कूल दिखे हैं, शिक्षा की बहुत कमी है, और जो काम है वो दूध का ही काम है यहाँ पे, जो लोकल लोग कर रहे हैं। बाकी जिनके पास ज़मीनें हैं वो पत्थरों को वो खोद कर निकालते हैं अपनी ज़मीनों से, वो ये भी एक बिज़नेस है। बाकी कोई ऐसा कोई कुछ खास बिज़नेस यहाँ पे, खास रोज़ी रोटी का कोई साधन यहाँ पर है नहीं। दोस्तों ये सूरज ढल रहा है, और सामने वो सुआगढ़ का किला है, जिसका यहाँ पे एक बहुत ही अहम इतिहास है, और सुआ महाराज हुए थे यहाँ पे एक समय में, जिनको बचाने में बाबू महाराज की अहम भूमिका थी। इन महाराज को कैद कर लिया गया था जेल में, और बाबू महाराज इनको छुड़ा के लेके आए थे। और एक और दिलचस्प कहानी है कि जो सुवा महाराज थे वो महाराज नहीं थे बेसिकली, पहले वो भैंसे चराए करते थे, और बाबू महाराज की वंदना करते थे, उनके गीत गाते थे। तो उन्होंने खुश होकर इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम यदि महाराज बनोगे, ये देखिए ये है किले की दीवारें, आज सिर्फ खंडहर है यहाँ पर, तो उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम महाराज बनोगे, और फिर ये महाराज बन गए। ये है आगे।
अपना बोतल जैसा पानी। अच्छा अच्छा आप ठीक है देखिए।